स्टेज खाली करें दोस्तों। जिंदा है पुट्टो, जिंदा है पुट्टो, जिंदा है पुट्टो, महावीर का पुट्टो, हरि का पुट्टो, जिंदा है पुट्टो, मजदूर का पुट्टो, हरि का पुट्टो, महावीर का पुट्टो, जिंदा है पुट्टो, जिंदा है पुट्टो, जिंदा है पुट्टो, कलाम पाक के लिए सादिक बलोच को दावत देंगे, आए और तिलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العلي العظيم। अब मैं ज़ुल्फ़िकार ख़ास क़िली को गुज़ारिश करता हूँ, आए और मेहमानों को खुश आमदीद कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे आए हुए मेहमान और हमारे इस इलाके के नौजवान बुज़ुर्ग भाइयों बहनों, जिए भुट्टो। दोस्तों, आज इस तकरीब में बलोची सकाफत पगड़ी की मेहमानों को पहनाई जाएगी, जिसके लिए मैं सबसे पहले हमारे एनए के कैंडिडेट सैयद आगर रफीला साहब को पगड़ी पहनाने के लिए मैं जनाब आबिद रजा बलोच से गुजारिश करूंगा कि वह आए, आगा साहब को बलोची पगड़ी पहनाए। मोहतरम आबिद रजा बलोच। को कि वो आए, हमारे एमपीए के उम्मीदवार महमूद आलम जामेट को
बलोची अगड़ी पगड़ी पहने हैं। हाजी रसूल बश, ये उमर बश के साहबजादे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इब्राहिम हैदरी में बुनियाद रखी और उस वक्त के फाउंडर मेंबर महमूद आलम जामोट के दादा वली मोहम्मद जामोट के अहम रुकन उमर बश बलोच के साहबजाद हाजी रसूल बश से गुजारिश करूंगा कि वो आए एमपीए के उम्मीदवार महमूद आलम जामोट को पगड़ी पहने। अब मैं केसर फकीर मोहम्मद बलोच से गुजारिश करूंगा कि वो जाने आलम जामत को पगड़ी पहने। मोहतरम केसर बलोच साहब, नारे भुट्टो, म्यूजिक लगाए, म्यूजिक दिला तीर भिजा। गुजारिश करता हूँ वो आए मेहमानों को बलोची सकाफत बलोची चादर पहनाए। मास्टर गुलाम रसूल बलोच साहब, फरजाना बलोच साहिबा को बलोची शाल पेश करें। मामा मुराद बलोच साहब को गुजारिश करता हूँ आए स्टेज पे। मेरनसा बलोच साहबा को बलोची चादर पेश करें। नूरदाद बलोच साहब को दावत देता हूँ आके फातिमा मजीद साहबा को लेडीज विंग के सदर मलिर की फातिमा मजीद साहबा को बलोची चादर पेश करें। कारकुन अंकल बाबू बलोच साहब से गुजारिश करता हूँ वो आए शाइना शेरली साहबा को बलोची चादर पेश करें। अंकल बाबू बलोच, अभी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर हमारे बलोच पाड़ा के उस्ताद नियाज मोहम्मद बलोच के फर्जंद
अब्दुल गनी ब्रदर से गुजारिश करता हूं कि वो आए। अगर रफीउल्लाह को बलोची शाल पेश करें। अभी मैं अपने पुराने साथी अब्दुल वहीद फरोज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए। महमूद आलम जावर साहब को शाल पेश करें। समाजी शख्सियत चाचा अब्बास बलोच को दावत देता हूं। वो आके जाने आलम जामर साहब को बलोची शाल पहनाए। म्यूज़िक थोड़ा बंद कर दें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है जलसे के बाकायदा आगाज़ से पहले थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। हम अपने हर दिल अजीज़ दियाले मामा अकमल बलोच के लिए फातिहा करते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और तीन दफ़ा कुल पढ़ के फातिहा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे जियाले दोस्त जिनकी इस वक्त शदीद कमी महसूस हो रही है मामा अकमल बलोच, या अल्लाह अपने जवार रहमत में उनको जगह नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी तमाम खताओं को माफ़ फरमा और उनके लवाई किन को सबरे जमीन अदा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। अब मैं इस वार्ड के काउंसलर हमारे पुराने जियाले रियाज बलोच से गुजारिश कर रहा हूँ वो आए, मेहमानों को खुश आमदीद कहें और अपने ख्याल का इजहार करें। रियाज बलोच शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। है मैंने सैयद आगा रफीउल्लाह साहब एमपीए, महमूद आलम जामोट साहब पीएसएडी सेवन के सदर, जाने आलम जामोट साहब कराची डिवीजन साहब का सदर, साहब का एमपीए परदाना बलोच साहिबा डिस्ट्रिक्ट मलिक की साहब का सदर महरनुसा बलोच, डिस्ट्रिक्ट मलिक के सदर हदी पातमा साहब का एमपीए, कराची डिवीजन की जनरल सेक्रेटरी लेडीज विंग शाइना शेर अली और मेरे यहाँ आए हुए मेहमानों भाइयों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शन के दौर में मुख्तलिफ बरादरियों के प्रोग्राम चलते रहे हैं और इस तरह इस बार 4 तारीख को अहले बलोच मोहल्ला और मुख्तलिफ बरादरी की जानिब से हम आए हुए मेहमानों को खुश आमदीद बली करे व शातगे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर प्रोग्राम हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जियाला या वर्कर
कोई अपने दिल का बड़ा दान निकाले या ना बोले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में कोई ऐसी तासीर नहीं होगी। मुझे उम्मीद है अपने एमएलए आगर अफीउल्लाह साहब, एमपीए महमूद आलम जामुट साहब से कि हो हमारी ख्वाहिशों से ज़्यादा पूर्व उम्मीद उतरेंगे और हमारे आवाम का इससे पहले भी खिदमत किया और आइंदा भी खिदमत करेंगे। महमूद साहब, आगर अफीउल्लाह साहब, आप सोच रहे हो ये काउंसलर साहब को क्या हुआ है, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है, पहले ही हमें एमपीए और एमएनए का लकब दे रहा है। आपको याद है आज से कुछ दिन पहले ईदगाह के पास एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने एडवांस मुबारकबाद दी थी आप लोगों को। आगा साहब, महमूद साहब, आप जीत चुके हो, 8 फरवरी को सिर्फ जश्न होगा, आप 8 फरवरी को सिर्फ तीर पे टप्पा लगा के हमारे उम्मीदवारों को, उम्मीदवार तो पहले ही जीत चुके हैं, वो भगोड़े पहले ही भाग चुके हैं, एक कंदकोट चला गया, एक अंकरी बदीन जाने वाला है मगर उसकी कश्ती का इंजन खराब हो चुका है, वो बड़े माहिगीरों का ठेकेदार बनता है, बड़े माहिगीरों की बातें करता है मगर उसने अभी तक इब्राहिम हैदरी के माहिगीर के लिए क्या किया है। आगे आके पीपल्स पार्टी के सामने हमारे इलाके में आके हमारे इलाके के लोगों को कुछ गलत बातें, गलत चीजें गाइड कर रहा है, वो हमारे माहिगीर के लिए कुछ नहीं कर सका तो यहाँ के लोगों के लिए क्या कर सकेगा। आगा साहब, महमूद साहब, जान साहब, मैं आपसे आज 3 सवाल करूंगा, मुझे उम्मीद है आप हमारे उन 3 सवालों का जवाब सच्चे दिल से और सच्चाई से देंगे, जो हकीकत है, जो इसमें है, जो पाकिस्तान में हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, आप हमें सच्चे दिल से बताओगे। आगा साहब, महमूद साहब, ये स्टील मिल की बुनियाद किसने रखी? आगा साहब, महमूद साहब, आपसे मैंने पूछा कि स्टील मिल की बुनियाद किसने रख ली, आपने कहा भुट्टो साहब ने। आगा साहब, मैं दूसरा सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, ये एटमी ताकत पाकिस्तान को किसने दी? आगा साहब का दूसरा सवाल का जवाब भी यही आया कि भुट्टो साहब ने दी। आगा साहब, महमूद साहब, मैं तीसरा सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, आज से कुछ दिन पहले हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्कि एशिया की पहली वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेलदीर भुट्टो, आसपा भुट्टो जरदारी, इब्राहिम हैदरी आ चुकी थी, उन्होंने हमारे मंसूर में एक ऐलान किया था सोलर का, वो क्या आसपा भुट्टो ने की थी या नहीं? आगा साहब ने कहा कि है और महमूद साहब ने भी कहा कि है। हमारे यहाँ कनकोट से आए हुए एक शख्स आके यहाँ लोगों को ये फैलाता है, ये कहता है कि मैंने आप लोगों के लिए काम किया, मैंने आप लोगों को नौकरियां दी, माताओं के नौकरी दी। जी मानते हैं आपने नौकरी दी, अगर भी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, आप ये क्रेडिट ना लें, आप ये क्रेडिट ना लें, क्योंकि हम आपको दोबारा कहते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करे, हम आपको वो इज्जत देंगे जो पहले दी इससे ज्यादा देंगे, और इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को ऐसे गलत गाइड ना किया करे। बलोच पड़ा, पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, अभी भी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप तीर पे टप्पा लगा के
इन उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे, आप अपना एक दिन देंगे, इंशाल्लाह 5 साल आपकी खिदमत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारे एक जाने वाले बल्कि मेरे चाचा थे, उन्होंने कहा कि एक मेरा भतीजा हर जगह जाके डांस करता है, उसको टांगे हम आपको बताएंगे, हम आपके उन कैंडिडेटों को बताएंगे, 8 फरवरी को इतने तीर बरसाएंगे, आप सोच भी नहीं सकोगे, डॉक्टर भी परेशान होगा कि इनको मैं टांगे कहां से लगाऊं। शुक्रिया। ये बिल्कुल दोस्तों, कुछ स्पीचें हैं मौजूदीन की, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बड़ा मेहरबानी मुख्तसर करें। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, तो साधन बलों से गुजारिश करूंगा कि वह मुख्तसर खिताब करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے معزز مہمان گرامی میرے ایم این اے آغا رفیع اللہ صاحب میرے ایم پی اے محمود عالم جامور صاحب میرے پی ایس کے صدر جان عالم جامور صاحب फातिमा अब्दुल मजीद साहिबा लेडीज विंग मलिर की सदर शाइना शेर अली साहिबा, क्योंकि शाइना शेर अली साहिबा हमें जब याद आता है उनको देखकर हम याद करते हैं रुखसाना बाजी को, जो हमारे साथ साथ इसी इब्राहिम हैदरी में वर्क करती थी। मेरी बहुत ही मोहतरम साहिबा मेरुनिसा बलोच साहिबा, क्योंकि जब शेर मोहम्मद बलोच के मीटिंगों में हम देखते थे, हम जब छोटे थे, मेरुनिसा बलोच साहिबा को, फरजाना बलोच साहिबा को, सबको मैं इब्राहिम हैदरी बलोच मौला आने पर खुश आमदेद वशात के बली कर आया, जी आया नू पखेर राग लो। मेरे साथियों, मेरे एम एन ए साहब, अब मैं बोलूं के ना बोलूं, इजाजत है? मेरे साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद इब्राहिम हैदरी में इसी मोहल्ले से रखा गया। जब पीपल्स पार्टी का चाराना टिकट होता था मेंबरशिप का, हमारे बुजुर्गों ने पीपल्स पार्टी को यहाँ इब्राहिम हैदरी में लाए। हमारे बुजुर्ग बाबा उमर ने वो ये ले आए पार्टी को, जब उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने इस पार्टी को यहाँ ही से शुरू किया, तो पूरे इब्राहिम हैदरी में जब वली मोहम्मद जामोर साहब एमपीए खड़े थे, हफीज पीरजादा एमएनए थे, सबसे बड़ा हल्का हमारा इस मलीर का होता था, बाबा बीट जजीरे से एमएनए का हल्का शुरू होता था, मैदान गदाब खत्म होता था। जब माहिगीरों की बात करते हो, माहिगीरों की बात तो हम करते हैं, पीपल्स पार्टी करती है। आप तो एक यूनियन काउंसिल के
क्लर्क की हैसियत से आए थे, फिर आप चेयरमैन बने, फिर आपने कहा कि मैं चेयरमैन हूं मालगीरों का, चलो सही है। फिर उनके बाद ये तंजीम मालगीरों की थी, अभी ये हाईजैक हो गया है, किसी ने हाईजैक किया है तंजीम को। हम हैं मालगीर क्योंकि बलोचिस्तान जीवनी से शुरू होता है, कराची में बलोचिस्तान का हुदूद है, मालगीरी पट्टी सबसे बड़े पट्टी यहाँ है, कराची से केटी बंदर बदीन तक है। आपको नफीसा शाह साहबा ने मालगीरों के लिए टप दिए थे, फिशिंग टप, वो आपने अपने घर में रखे, क्यों रखे? इसी पीपल्स पार्टी ने दी आपको। आप आज कहते हो पीपल्स पार्टी क्या है? पीपल्स पार्टी मालगीरों की जमात है, हारी और नारी की जमात है। ये टप आपने रखे, फिर मुझे पता चला ये टप आपने बेचे हैं, ये मालगीरों के लिए डॉक्टर नफीसा शाह ने दी थी। आपने किस मालगीर को दिया? जो आपके आगे पीछे घूमने वाले थे उनको आपने दिया। मेरे दोस्तों, पीपल्स पार्टी है तो हम हैं, पीपल्स पार्टी नहीं है तो हम नहीं हैं। क्योंकि आज ये गुलदस्ता है, पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता की शक्ल है, उस गुलदस्ता को आप न तोड़ सकते हो। यार जियाउल हक का मार्शल ला इनको नहीं तोड़ सका, आप क्या तोड़ोगे? आपका जो हवा निकल जाएगा। 8 फरवरी को जब तीर आएंगे तो आप गिनते रहना कितने तीर आए हैं। ऐसा ना हो कि आप दुम दबा के भाग जाओ। आप तो पहले ये कहते हो घर में आने के लिए मैं आऊं, यानी मैं आऊं, भाई आप ना आओ। मेरे दोस्तों साथियों, वक्त की कमी है क्योंकि आगा साहब को कहीं और भी जाना है। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। मुख्तसर बात करें, अब मैं गुजारिश करूंगा इंजीनियर करीम बलोच को मुख्तसर खिताब करें। इंजीनियर अब्दुल करीम बलोच, सबसे पहले मैं अपने MLA के उम्मीदवार, MPA के उम्मीदवार को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी की होगी, जीत पीर की होगी। हमारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इब्राहिम हैदरी और पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी का एक पूरी अपनी तारीख है। 1970 से पीपल्स पार्टी शुरू हुआ। 1970 से पहले इब्राहिम हैदरी में न पानी था, न बिजली था, न गैस था, न कुछ भी नहीं था। जैसे ही पहली पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यहाँ तशरीफ लाए, तो उन्होंने एक आर्डर पे एक हफ्ते के अंदर इब्राहिम हैदरी को पानी यहाँ दिलवाया, एक महीने के अंदर यहाँ बिजली के कमरे लगे। हमारे लोगों ने बेरोजगारी की बात की तो उस वक्त खड़े खड़े 100 नौकरियाँ दी गई। कहने का मतलब यह है कि अगर आवाम को कुछ डिलीवर किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है।
फिर उसके बाद 1988 का इलेक्शन आया, हमारा ने यहाँ से MPA जीता ना MNA जीता, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 100 लोगों को यहाँ नौकरियाँ दी। और उसके बाद मुरली आया, माशाल्लाह मुरली का वजीर भी अकीम बलोच साहब था, लेकिन वो एक भी अपना हेल्पर भी पाकिस्तान रेलवे में नहीं लगा ले, पाकिस्तान रेलवे में एक भी अपना बंदा नहीं लगा सका। तो आज दोस्तों से यही कहना है कि भाई मुरली हमें कुछ भी नहीं देगा, मुरली का हमने 5 साल देखे, अगर पाकिस्तान के कराची के गरीब आवाम को अगर कुछ डिलीवर किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, अगर बेनजीर भुट्टो साहब ने अपनी जान दिया है तो इन गरीब लोगों की खुशहाली के लिए दिया है। और अभी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे MNA साहब, MPA साहब, हमारे इब्राहिम हैदरी के पूरे कराची के माहिगीरों को EOBI के पेंशन स्कीम में ज़रूर लाना होगा, क्योंकि हमारे माहिगीर जितना मेहनत करते हैं तक एक साल में $5 अरब की हमारी फिशिंग की एक्सपोर्ट होती है, और माहिगीर बेचारे 50-55 साल की उम्र के बाद वो काम करने के काबिल भी नहीं रहते। तो हमारी MPA MNA साहब से ये है कि हमारे इस साल इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब वजीर आज़म भी बनेंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आएगी, और हमारे माहिगीरों को EOBI की पेंशन स्कीम में ज़रूर शामिल किया जाएगा। उसके बाद में मैंने MPA साहब से कहूँगा कि हमारे बॉयज़ कॉलेज को जल्द से जल्द, माशाल्लाह इतने फंड मिले हैं, इतने काम हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बॉयज़ कॉलेज की बहुत ज़्यादा असर ज़रूरत है। अब तीसरी बात, हमें अपने हॉस्पिटल को बहुत अपग्रेड करना है। हमारे हॉस्पिटल में सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ये है कि ये कचहरी घर है, जिसको अगर ड्यूटी नहीं करता है तो अपना ट्रांसफ़र इब्राहिम हैदरी में कराता है। तो हमें अपने हॉस्पिटल को इम्प्रूव करना है, हमारे गरीब लोगों को, मजदूरों को जो कि बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, वो अपना इलाज नहीं करा सकते, लेकिन हमारे डॉक्टर ज़्यादातर लोगों को ज़रा सी बात पे कहते हैं जरावन। तो मैं MPA MNA साहब से ये फिर गुजारिश करूँगा कि हमारे हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, ज़्यादा वो टाइम नहीं दूंगा। बहरहाल MPA और MNA को पेश की मुबारकबाद देता हूँ, इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी की होगी। अगर किसी ने कहा है कि शेर आएगा कुछ देगा, तो हमारे लोगों को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हमें 8 फरवरी को सिर्फ 3 को ही वोट देंगे हम, इंशाल्लाह 3 को कामयाब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मामा मुराद बश बलोच से गुजारिश करूंगा कि वह अपने खैरात का अजाम करें। मामा मुराद बश स्टेज पे बैठे हुए हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब सैयद आगा रफीउल्लाह साहब, मोहतरम जनाब महमूद आलम जामोट साहब, हमारे दिल अजीज लीडर जाने आलम जामोट साहब, हमारे मेहमान, हमारे सीनियर लेडीज विंग के हमेशा से ओ इब्राहिम हैदरी में आते जाते हैं, फरजानाबादी मेहरुल साहब, साइना शेर अली साहिबा, हमने हमेशा से
इसी गोट में इसी जगह पे हम प्रोग्राम करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरे दोस्तों 8 फरवरी को आप लोगों का इम्तिहान है, बड़ा जलसा तो हम लोगों ने करके दिखाया है, अभी हमको वोट भी देना है। ये नहीं है कि हम ये जलसा करें अपने घर पे सो जाएं, आज से जदोजहद शुरू करें, हर घर में जाएं और तीर का निशान याद करें। हमारा मुकाबला इनके साथ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे पार्टी में रहे, वजीर भी रहे, बुशीर भी रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको कहां से कहां तक पहुंचाया और इतना बेवफा निकला, वो आपसे क्या वफा करेगा। मैं इब्राहिम मेहदी वालों से पूछता हूं, ये शख्स जिसने 3 दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको इज्जत दी, आप लोगों ने इसको वोट दिया, इसलिए दिया कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है। आज वो कभी पीटीए में जा रहा है, कभी किसी मौलवी के पास जा रहा है, कभी शेर के पास जा रहा है। ये सियासत है, ये हैदरी आपका नहीं है बाबा, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है। यहाँ पे उसको वोट मिलेगा जिसके पास तीर का निशान होगा, और तीर के बगैर आप चाहे कोई भी निशान लेके आओ, गिदड़ का निशान लेके आओ, बैगन का निशान लेके आओ, यहाँ के लोग सिर्फ तीर को जानते हैं। वो 8 फरवरी को ये साबित करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम ऐसा जीत दिखाएंगे पार्टी को कि याद करेगा वाकई इब्राहिम हैदरी में जियाले रहते हैं, जियाले रहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, हमने सुना था इनकी बातें, इनकी तहजीब ही नहीं है इनको बात करने का, ये किस तरह एमएलए बनाया, हम लोगों ने बना के इसको बड़ा गलती किया है, इसको बात करने का भी तरीका नहीं है, ये शर्म है नहीं हया है। आप सियासत करें, आप गालियां देते हो, बलोच गैरतमंद है, बलोच गैरतमंद है, एक मौलवी आके कहता है बलोच बड़े गैरतमंद है, बाबा गैरतमंद है, हमारे को सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, सारे पाकिस्तान में बलोच है, हम बेवफा नहीं है, बेवफा शिजरा है। हम लोगों ने पहले भी पार्टी के लिए इसको वोट दिया था, इसको इज्जत दी थी, अभी एक भाई ने बोला था कि आए पार्टी में आएगा हम इज्जत देंगे, हम इसको पार्टी में आने ही नहीं देंगे, ये लायक ही नहीं है, ये किस तरह पार्टी में आएगा, ये बेनजीर का दुश्मन है, ये बिलावल के सामने खड़ा हुआ है, हम बिलावल के सिपाही सालार है, हम लोगों ने जान दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और हम लड़ेंगे, मरेंगे, वोट भी देंगे पीपल पार्टी को, जिए भुट्टो। ये तो मामा मुराद बलोच साहब, इस जगह पे जब भी इलेक्शन का जलसा होता है तो काफी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आज अपनी बहन शाइना शेरली को देखते हैं तो हमें वो दिन याद आता है जब वो यहाँ पे रुखसाना फैसल हमें कहती थी कि यार यूथ वाले तुम लोग इतना बड़ा जलसा देख के भी इतने खामोश क्यों हो। वो दौर होता था और काफ़ी लोगों को नहीं मालूम, आगा साहब 18 अक्टूबर 2007 के मनुष्य दिन मैं और ताबिश बलोच वो आखिरी लोग थे जो इनकी बहन के साथ खड़े हुए थे, और जैसे ही हम यहाँ से हटे हमारी आंखों के सामने धमाका हुआ। आखिर में वो थक गई थी, पुलिस मोबाइल में बैठी हुई थी, और मैंने कहा क्या हो गया, आप हमें हमेशा बोलते हो कि यूथ वाले कमज़ोर हो जाते हो, हम तेज़ हैं, बोले बस थोड़ा सा आगे जाना है मोहतरमा के साथ बाजार कैद तक जाना है। आज वो बात बार बार हमें याद आती है, इसी जगह पे हमारे साथ शहीद रुखसाना फैसल होती थी, आज उनकी बहन हमारे साथ है, और वही 18 अक्टूबर का जियाला ताबिश आपके सामने खड़ा है, जिसके हाथ पे अभी भी हाथ लगाएंगे तो वो छर्रा अभी तक मौजूद है उसके हाथ में। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर ताबिश असगर बलोच को, वहाँ अपने मुख्तसर ख्याल का इजहार करें। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद हमारे साबिक़ एमपीए और मौजूदा एमपीए महमूद आलम जामोट साहब, और हमारे स्टेज पर मौजूद साबिक़ एमएलए और इंशाल्लाह मौजूदा एमएलए आगा रफीउल्लाह साहब, और हमारे पीएस के सदर जहान आलम जामोट, और हमारे मलिर डिस्ट्रिक्ट के
सीनियर जियाली जियालियाँ हमारे सैना शेर अली, हमारे उफसानाबाद जी और हमारे फैनुसा और हमारे इब्राहिम हैदरी की शान लेडीज विंग फातिमा मजीद साहब, सबको सलाम। जिए भुट्टो। आपका ये वलवला, ये जोश, ये देखकर मुझे 2002 वाली इलेक्शन, 2018 वाली इलेक्शन और उसके बाद 24 आ गया है, 24 वाली इलेक्शन भरपूर आप लोगों को देखकर मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सक रहा हूँ, मगर फिर भी मैं चंद बातें करूँगा क्योंकि बलोचपाड़ा बकौल हमारे सीनियर लोगों ने बात करी कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना है बलोचपाड़े के लोग, वार्ड वन के लोग हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। बाकी चाहे हमारे कामरान भाई ने बात करी कि 18 अक्टूबर हो या हमारा 27 दिसंबर का मनुष्य दिन हो, हम बलोचपाड़े के लोग, हम एलिया ने इब्राहिम हैदरी मजारे हमारे एक उधर कबल किबला अव्वल और हम लोगों का सियासी किबला गरीब खुदा बख्श वहाँ के हम पैरोकार हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ वफा करेंगे, उनके साथ जफा करेंगे ता कयामत इंशाल्लाह ताला हम पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और उनका हर इलेक्शन में जितवाएंगे। बाकी परसों एक इलेक्शन जलसा था यहाँ पर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे सीनियर पहले रहनुमा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फिर वो गए पीटीआई में, अब वो शेर का नारा गुनगुना रहे हैं। तो उन्होंने एक बात करी, कल मेरे नाम पर तनकीद भी हुआ, वो हमारे सीनियर हैं लेकिन मैं फिर भी उनका ख्याल करता हूँ, एक इज्जत करता हूँ क्योंकि वो हमारे घरों के साथ थे। अगर हम उनको कुछ बोलेंगे उनका इज्जत उनकी ख़राब होगी, हमारी नहीं होगी क्योंकि हम कल के बच्चे ही हैं। उन्होंने एक तनकीद करी कि मैंने हर किसी को चीज़ें दिए, फलाना दिया, नौकरियाँ दिए, तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आपने आज 5 साल आप पीटीआई में थे, 5 साल शेर में हैं, जो भी हैं, तो आपने 10 सालों में इब्राहिम हैदरी खास के बलोच मोहल्ले में आपने क्या दिया, क्योंकि आपने जो किए जो दिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बदौलत दिए। पीपल्स पार्टी हमेशा नौकरी देती थी तो उस टाइम पे हमारे तो आपके इब्राहिम हैदरी की नुमाइंदगी आप करते थे तो हम भी आपके साथ होते थे, अगर आज आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ा है तो हम आपका साथ नहीं दे सकते क्योंकि हम जिए भुट्टो वाले हैं, हम जिए भुट्टो के साथ हैं, हम जिए भुट्टो के साथ रहेंगे। बाकी आप लोग 8 तारीख को निकले इब्राहिम हैदरी बलोच मोहल्ले से भरपूर शिरकत करें, आप लोग हल्फ उठाएं कि आप 8 तारीख को हमारे कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। मैं आप सबसे एक आदमी हल्फ देता हूँ, जिस जोर जोर से आप लोग आज यहाँ पर भरपूर शिरकत की तो आप लोग कोशिश करें कि 8 तारीख को सुबह सुबह अपने घर से और के लिए निकले और जुम्मे के दिन इसी जगह इंशाअल्लाह ताला हम एक एवा प्रोग्राम करेंगे, इसी बलोच मोहल्ले में, इसी दफ्तर में एक बड़ा जश्न का समा करेंगे। जय भुट्टो। दोस्तों अब मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कैसर फकीर मोहम्मद बलोच को आए अपने ख्याल से आजाद करें। कैसर फकीर मोहम्मद बलोच اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اسٹیج پہ بیٹھے NA 230 کے کینڈیڈیٹ سید آغا رفیع اللہ صاحب PS 87 کے کینڈیڈیٹ محمود عالم جامور صاحب میرے استاد محترم میرے بھائی جان عالم جامور صاحب ہمارے PS کے صدر ڈسٹرکٹ ملی لیڈیز ونگ کی صدر فاطمہ مجید بہن ابھی شائنہ شیر علی
अदी फरदाना और दीगर बहनों को, पिंडाल में बैठे भाइयों को, बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। जीए भक्तो। काफी देर से इस पिंडाल में जितना जज्बा दिलों में है वो नारों में नहीं है, जवाब दमदार नहीं मिल रहा है। आगा साहब को जल्दी हो, जल्दी जाने नहीं देंगे आगा साहब को। आप बैठे ना अपने अपनी मर्जी। नारों का जवाब दिल से देना है क्योंकि सबसे बड़ी वजह बलोच पाड़ी की तारीफ वो ये रही है कि ये हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला रहा है और हर दौर में चाहे जिस तरीके का भी वक्त गुजरा हो हमेशा बलोच पाड़ी से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मिला है और वो इस मंशूर और ब्रिटिशिज्म के पैरोकारों की बुनियाद पर मिला है और नारा हमेशा ये लगता है नारा भक्तो। एक दफा फिर नारा भक्तो। अब बात करते हैं, मेरे बड़े भाई आबिद रजा ने थोड़ा सा मना किया है रगड़ा देने पर, लेकिन माइक हाथ में आ गए आबिद भाई तो थोड़ा कुछ माजरत। एक जलसी हुई थी कल परसों बलोचपाड़े में एक रखी गई जिसमें से माशाल्लाह से काफी दूसरे दीगर बरादरियों के भाई बाहर से लाए गए थे और हम लोग यहीं बैठे हुए सारा अपनी आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। बलोचों को रिवायत सिखाने की कोशिश की गई थी, क्या ऐसे लोग जिनका किरदार हम बेहतर जानते हैं और जिनकी तारीख हम बलोचों के साथ काफी अरसे से जुड़ी है क्या वो हम बलोचों को किरदार सिखाएंगे, हमारी रिवायत सिखाएंगे? जवाब दो, सिखाएंगे सिखाएंगे। ओसामा आवाज नहीं आ रही है, नहीं सिखाएंगे। आपने इधर क्या क्या कारनामे किए, मैं ये पीएस के एक जो छोटा पिल्ला है उसके लिए बात कर रहा था कि बिल्ला अपने आप को शेर समझने की कोशिश कर रहा है, वो शेर नहीं बन सकता, पंजे उसके नाखून हमने ही काटे हुए और हमने ही खाना खिलाया तो वो इतना बड़ा नहीं हो सकता कि हमारे घर में आके जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं इसका जवाब बेहतर हम देना जानते हैं, लेकिन हम अपनी रिवायत को नहीं भूलेंगे, हम अपने जज्बात को काबू रखना जानते हैं, हमको नहीं छेड़ा जाए। दूसरी बात, हम अपने सीनियर रहनुमा साहब का पीपल्स पार्टी के हाजी मुजफ्फर अली शुजा साहब की बात करते हैं तो उन्होंने हर वक्त हर जगह यही बात करते हैं कि मैंने दी, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ये दिया, आपने क्या क्या दिया भाई, आप क्या क्या देना चाह रहे हो हमको, आपने नहीं दिया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, इस तीर के निशान ने दिया, ये भुट्टो साहब के पैरोकारों को मिला, आप कहां से ये दावा करते बोलते हो कि मैंने दिया मैंने दिया। आप बैंक में जाते हो अपने पैसे कैश करवाने, कैशियर आपको पैसे देता है, कल कैशियर बोले मैंने आपको पैसा दिया, आप उसको क्या करोगे, रख के दोगे उसके एक मुंह पर कि तू कौन होता है मुझे ये बोलने वाला कि तेरे पैसे मैंने दिए। ये कोई तरीकेकार नहीं है, ये बलोच कौम है। आगा साहब, महमूद साहब, खासतौर पर आपसे मुखातिब हूं, ये बलोच कौम अपने ऊपर किया गया एहसान नहीं भूलती है, ये आपको याद रखना होगा। आज बहुत सारे हमारे भाई इस एहसान के तले दबे हुए हैं तो ये उनकी गैरत की निशानी है कि वो नहीं भूलते कि हमको किसी दौर में दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेकिन लोग अपना नाम लगा देते हैं। तो आप दोनों से भी खास तौर पर अगले 5 साल द्वार में गुजारिश रहेगी, बलोच पाड़े को नजरअंदाज नहीं करना, यह आपने अभी वादा करना है कि इस बलोच पाड़े को नजरअंदाज नहीं करना।
काफी भाई हैं जिधर नौकरियां मिली है, तो आज भी आपके साथ ही खड़े हैं, लेकिन वो अपना एहसान नहीं भूलते, उनकी इज्जत करते करते नहीं करते। आप लोग आइंदा ये इज्जत करोगे नहीं करोगे? जवाब तो जवाब में मजा नहीं है भाई, पता चलना चाहिए। ये आप दोनों से खास तौर पे ये आपसे वादा चाहिए कि आप हम सबको नजरअंदाज नहीं करेंगे। बाकी तो बातें बहुत हैं। जुल्फिकार भाई के पीछे से दो दफा मुझे चुंडक मार चुके हैं कि वे मुख्तसर करें, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। नारों का एक दफा फिर जवाब है, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, वजीर आजम वजीर आजम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारे मौजूद मेहमान, इस प्रोग्राम के मेहमान खास आगा रबीला साहब आखिर तक हमारे साथ रुके, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात है और हमें अंदाज़ा है कि एक बहुत बड़ा हलका है और बहुत छोटी सा हलका है, मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं इनको शिरकत करना है, इसलिए मैंने सुटिए जाकर सदर जाने आलम जावर से इजाज़त लेके उनके सारों के टाइम आगा रफीला को दे रहे हैं। उनके प्रोग्राम बाकी बाद में जारी रहेगा, आप मुतमिन होकर बैठे, लेकिन उससे पहले हम अपने हर दिल अजीज हमारे साबिका और मौजूदा MLA हमारे पीपल्स पार्टी के बहादुर सिपाही मोहतरम जनाब आगा रफीला साहब को दावत देंगे कि वो आए और स्टेज पर कागजों से खिताब करें। नारा अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा आपसे और बातें नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात करूंगा जो मैंने तकलीफ महसूस की यहां पर, वो ये थी कि जब इंसान अपने आप में जो देखता है ना, वो फिर दूसरों में देखता है, जब वो जैसे खुद होता है वैसे वो दूसरों। तो ये जो आपने कल या परसों जो बातें सुनी हैं उसको
क्योंकि वो खुद तो बिकाऊ है, वो गलती से आपको भी बिकाऊ समझाता। जबरदस्त बात बोली है। जब आपने उसको बताया कि ये जो 5 सालों में हमने काम करवाए महमूद आलम जामोड़ ने और मैंने, तो वो हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी निगरानी की है और आपकी चीज आप तक पहुंचाई। ये चीज थी वो शहीदों की पार्टी की, वो पीपल्स पार्टी की। कल को महमूद आलम जामोड और आगा ये क्लेम करे कि मैं ये बकरी की तरह मैं का काम नहीं है, ये सिर्फ शहीदों की पार्टी का काम है, उन्होंने ही ये काम किया। आपने अगर इतनी बात होती तो आप यहाँ रहे, आपको 8 वाली हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेहतरीन हुकूमतों में से थी, जिस टाइम बीबी की शहादत के बाद, बीबी की शहादत के सदके आप मिनिस्टर बने, आपको सारे इख्तियारात दिए गए, उसमें भी अगर आपने जो इब्राहिम हैदरी में इस दफा पीपल्स पार्टी ने काम करवाया, इतना ही अगर आप करवाते तो आपको पार्टी छोड़ना ना पड़ती, क्योंकि आप थे ऐसे। आपको आज भी गलतफहमी है कि ये बलोच मैं आपको एक वाकया सुना देता हूं। मैं एक दिन नेशनल असेंबली में बैठे हुए थे, तो इन दिनों की बात थी कि जब इन्होंने पार्टी पीटीआई में कोई बयान दिया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो मुझे कादर पटेल साहब कह रहे हैं कि इनके डिस्ट्रिक्ट से कोई साहब एमएनए हमारी पार्टी के ही, उन्होंने कहा कि मैं जब वोट गया था तो देखा कि एक गाड़ी में बत्ती लगी हुई और जा रही है, तो मैंने बोला कि यार ये कह रहा कौन है ये, उन्होंने बोला फलां जो छोकरा, भाई फलां जो छोकरा तो है लेकिन इसे ये क्या है बत्ती शती, बोला ये मिनिस्टर है, बोला किधर से बना है मिनिस्टर, बोला कराची से, बोला कैसे कराची से बनाई, ये तो यहाँ कौंसलर नहीं जीत सकते, बोला खबर ना है लेकिन पार्टी ने इसको टिकट दिया है और वहाँ पर इब्राहिम हैदरी वालों ने वोट दिए। तो भाई वोट अगर मैं 8 तारीख को वोट ले रहा हूँ तो क्या मेरे अब्बा के वोट है, ये पीपल्स पार्टी के वोट है ना, तीर के निशान के वोट है ना। तो वो तो उसने कादर पटेल को कहा कि यार क्या मसला है, आप लोगों के पास ऐसा मसला आ गया था कि यहाँ से बंदा वहां। तो कादर पटेल ने कहा कि ये हम में कमजोरी नहीं है, मसला ये कि हमारी पार्टी का दिल बड़ा है, ये शहीदों की पार्टी है, इसके परचम के तले, इसके निशान के तले जो आता है इसके जियाले उसको इज्जत दिलवाते हैं, असल में इसको ये एहसास अब तक हुआ नहीं है। जब ये अब दर पदर की टोकरे खा रहा है और खाक चान रहा है, इस इलेक्शन में जब आप इसको रिजल्ट देंगे, बलोच पाड़े का रिजल्ट इसको मिलेगा, तो इसको लग पता जाएगा कि ये सियासत जो मैं यहाँ तक इज्जत पाई है ये सिर्फ इन शहीदों की पार्टी की वजह से, इस तिरंगे और इस तीर की वजह से। जाती तौर पे ये मैं आपको दोबारा बोलूँ, अगर ये रियाज का यहाँ मुकाबला करे कौंसलरी का, ये कौंसलरी जीत जाए एमएलए शिप हम फ्री में दे देंगे उसको। हाँ कबूल है, चैलेंज कबूल है, चैलेंज कबूल है। अगर ये वार्ड में आज ही मुजफ्फर अली सिंगरा मैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे आऊंगा, ये किसी का भी टिकट ले, अगर ये मुझे जीत के दिखाए खुदा की कसम मैं इसका गुलाम बनूंगा और मैं एमएलए छोड़ के इसको दे दूंगा। ये सारी पार्टियों की हिमायत लेके इस वार्ड से जीत के दिखा दे। इसने बलोचों की तारीख के बारे में इसने सुना भी नहीं है, पढ़ना तो छोड़ दे, तो इसको पता होता फिर इस तरह की ये सोच और बात ना करता। बहरहाल हम अपने एजेंडे पे आते हैं, दफा करें इनको, ये ऐसे मस्करे आते हैं और जाते हैं। वो रियाज बोलता है इसकी बात ये है वो जिस तरह मैंने वो सारी बात कर दी, जो चीज मतलब ये कल को ये ना कहे कि ये भी स्टील मिल भी मैंने बनाया है और एटमिक प्रोग्राम भी मैंने बनाया है, ये सारी बातें कौन को समझ आ जाए आगे। ये हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से हमारे दोस्तों ने बात की, बड़ी अच्छी बातें की, हमारा अगला प्रोग्राम ही मेरे भाई इंशाल्लाह ताला रोज़गार का है। हमने अपने नौजवानों के लिए किस तरीके से रोज़गार के मौके पैदा करने हैं, ये अगले 5 सालों में हमारा टारगेट है। तो इंशाल्लाह ताला मैंने और महमूद आलम जामोड़ साहब ने एक कोशिश की थी
जिसका आप लोगों की मोहब्बत से ये इजहार होता है कि हमने अपनी इस डेवलपमेंट के हवाले से जो कोशिश की है उससे आप तो मुतमईन तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो ईओबीआई की बात की है वो मैं करवा चुका हूँ। सिर्फ चूंकि इस प्राइम मिनिस्टर से भी हमने जब मखलूत हुकूमत में जब हम शरकदार थे उसमें भी मैंने पीएम से ये ऑर्डर करवाए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे कमिटमेंट है कि ईओबीआई और मजदूर की हैसियत माहिगीर को दिलवा के छोड़ेंगे, ये वादा है, ये करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको। और रहा दोबारा मैं आपको फिर कहूँ कि इंशाल्लाह ताला जो बुनियादी इशूज हैं वो इंशाल्लाह ताला हम आपको आने वाले 2 सालों में आपको करके दिखाएंगे। और ये पहले भी पीपल्स पार्टी का गढ़ था, आज भी पीपल्स पार्टी का गढ़ रहे, आइंदा भी पीपल्स पार्टी का गढ़ रहेगा, आगा जैसे कई आए जाएंगे लेकिन ये पीपल्स पार्टी का गढ़ रहेगा, क्योंकि ये शहीदों की पार्टी है जिन लोगों ने आपके लिए अपनी जानों का नजराना दिया है, तो उसमें हमारे कोई वैल्यू नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप लोग बाकी के इलेक्ट्रिक की बात करें कि हम तो इस पूरी के इलेक्ट्रिक के ही खिलाफ हैं, ये जो मुलाजमीन को फारिग किया उसको छोड़े, हम के इलेक्ट्रिक को इंशाल्लाह फारिग कराने की बात कर रहे हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, 8 तारीख को यकीनन आप लोग यहाँ से इस अंदाज में वोट डालेंगे कि पूरा ज़िला मलीर कहेगा कि वाकई वाह बलोच वाह। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे भुट्टो। अब आपने मेहरबानी करके जिम्मेदारी का सबूत देना है, रास्ता देना है मुझे और बिल्कुल अपनी जगहों पे बैठा रहना है ताकि ये प्रोग्राम आगे चले, क्योंकि मैं शेरपुर में एक जलसे में इंशाल्लाह पहुंच रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों से गुजारिश है, रास्ता खाली करें। आदर अपील साहब से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टेज पर बैठे हुए PS 87 के उम्मीदवार MPA महमूद आलम जामोट साहब, PS 87 सिटी एरिया के सदस्य जाने आलम जामोट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबे खवातीन कराची डिवीजन की जनरल सेक्रेटरी और एक्स सबका MPA शहीन शेर अली साहब, फरजाना बलोच साहिबा हमारी इंतहाई सीनियर काबिल एहतराम, मेहरुन नसा बलोच साहिबा, मेरे तमाम जियालों पार्टी के सीनियर्स सबको मेरा सलाम। जीए भुट्टो। आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले सलाम पेश करती हूँ मामा अकमल को, असगर बलोच को और हमारे तमाम पार्टी के सीनियर्स को जिन्होंने हर मुश्किल हालात में पार्टी का आलम बुलंद रखा, जद्दोजहद की और डट के खड़े रहे। आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा कोस्टल बेल्ट पीपल्स पार्टी का गढ़ बन चुका है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि उसकी इब्तदा जो है वो बलोच पाड़े से हुई है, ये हमारे लिए इंतहाई काबले फख्र बात है। मैं यहाँ किसी पर तनकीद नहीं करूँगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तरबियत ही नहीं है, ये हमारी सियासी तरबियत ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की एक तकरीर थी जिसको नसरत हम कहते हैं कि वो सुनहरी अल्फाज थे उसके, जिसको नसरत सियासी हलकों में बल्कि उसकी पसीराई पूरी दुनिया में की गई है। उन्होंने हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हर सियासी वर्कर को काबिल इज्जत और एहतराम की नजर से देखा है, उन्होंने सबके हुकूक की बात की है, उनके दिल में सारे पार्टियों के लिए इज्जत है। जब हमारे
लीडर इतने अच्छे हैं तो हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पर जितना भी काम किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है और आइंदा भी हमारे मसाइल हमारी मालकी हम माहीगीरों की मालकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करेगी। यहाँ पर हमारे माहीगीरों के साथ बहुत मसाइल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से हमारे एमपीए एमएनएस ने जितने काम 5 सालों के दौरान कराए हैं वो गुज़श्ता 50 साल में भी नहीं हुए। ये हमारे लिए काबिले फख्र बात है। जितनी सबका दौर में भी काम किए गए वो चाहे किसी भी एमएनए ने किए हो लेकिन वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाए हैं। तो हमारा ये फर्ज है कि जो पार्टी हमारी मालकी करती है, जो पार्टी हमारे मसाइल की बात करती है, जो पार्टी हमारे हुकूक के लिए जदोजहद करती है, जिस पार्टी के लीडरों ने सारी आसाइशें छोड़ कर हमारे लिए मुल्क में रहकर हमारी सियासत की है, हर दौर के डिक्टेटरों का मुकाबला किया है, तो हम उस पार्टी का साथ दें और वो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज सब हाथ उठाकर जवाब दें कि 8 तारीख को सब निकलेंगे, सब निकलेंगे। वजीर आजम भरपूर तरीके से जवाब दे। वजीर आजम हमारा एक ही मकसद है और वो ये कि हमें अपने उम्मीदवारों को कामयाब करना है। हमें सारे सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनानी है और वफाक में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनानी है। इंशाल्लाह हमारे वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। जब चेयरमैन हमारा होगा तो हमारे हकूक की बात होगी, तो हमारे हक में पॉलिसियां बनेगी। अपने मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए, अपने नौजवानों के बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, तहफ्फुज के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना है। नारा भुट्टो। ये थे मोहतरमा फातिमा मजीद साहब। अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारे इंतहाई सीनियर हमारे मोजिस बैन एक्स एमपीए पीपल्स पार्टी मली रोड कराची की सबका अहदेदार फरजाना बलोच साहिबा जो आए हैं वो अपने ख्याल का इजहार करें। फरजाना बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले एहतराम महमूद आलम जामोट साहब, काबिले एहतराम जाने आलम जामोट साहब, शाइना शेर अली साहिबा, फातिमा मजीद साहिबा, महरूनिसा बलोच साहिबा, मुराद बलोच, रियाज बलोच, दीगर मेरे स्टेज पर बैठे हुए भाइयों, पिंडाल में बैठे हुए भाइयों, जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। भाइयों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसकी वजह से आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो। आप लोगों में एक सियासी शऊर पैदा हुआ है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ड्राइंग रूम से सियासत निकाल कर आज यहाँ गलियों गलियों तक पहुँचा दिया। आज यहाँ का हर बंदा, हर बच्चा, जवान बूढ़ा, दुकानदार, पान की दुकान वाला भी सियासत करता है क्योंकि उसने एक शऊर लोगों के जहन में डाला कि अपने हक के लिए बात करो, अपने हक के लिए निकलो। मेरे भाइयों, तो आज आप सब लोग यहाँ मौजूद हो, आप सब लोग पीपल्स पार्टी के लोग हो। हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है।
चाहे यहाँ पर कोई तराजू आ जाए, शेर आ जाए, कोई भी निशान आ जाए, लेकिन हमारा अगर निशान है तो सिर्फ और सिर्फ वो तीर है। तीर के निशान को आपको कामयाब करना है भाइयों। 8 अक्टूबर का दिन वो दिन है कि जब इंशाअल्लाह ताला आप लोग निकलोगे, और 8 अक्टूबर को मैं कहती हूँ कि तमाम बैलेट बॉक्सों से तीर ही तीर निकलेगा, तीरों की बारिश होगी, हर तरफ यही आवाज आएगी कि ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। मेरे भाइयों, आज अगर यहाँ पर आकर कोई कुछ कहता है तो कोई भी पार्टी काम नहीं करती, काम अगर करती है तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी काम करती है। यहाँ पर अगर रोजगार मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, और कोई भी नहीं देखा। हमने जनरल मुशर्रफ का दौर भी देखा है, हमने जनरल जिया का भी दौर देखा है, हमने नवाज शरीफ का भी दौर देखा है, लेकिन इमरान खान का भी दौर देखा है, लेकिन अगर यहाँ पर काम हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी इसके जरिए काम हुआ है, इसके अलावा किसी ने भी काम नहीं किया। तो आप लोगों के जहनों में यही होना चाहिए कि 8 फरवरी का दिन वो दिन है कि इंतजार नहीं करा करो भाइयों कि हम थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, 2 बजे जाएंगे, 3 बजे जाएंगे, 4 बजे जाएंगे, नहीं। आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि जैसे ही सुबह उठ गए अपने लाइन लगा दो, लाइन लगाओ ताकि मीडिया में भी नजर आओ कि कितने लोग लाइन में खड़े हुए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। ये सब कुछ नजर आता है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है जीत हमारी है। महमूद आलम यहाँ से कामयाब होंगे, आगा रफीउल्लाह कामयाब होंगे। नारे भुट्टो, नारे बेनजीर, नारे बिलावल, नारे जरदारी। जीती मोहतरमा फरजाना बलोच साहिबा, अब हम अपने हरत दिल अजीज साहब का MPA, हमारी सियासी स्टार मरहूमा रुखसाना फैसल शहीद की बहन शाइना शेर अली साहिबा से गुजारिश हुआ है अपने ख्याल का इजहार करें। शाइना शेर अली साहिबा, इंतहाई काबिले एहतराम, मेरे लिए काबिले एहतराम, मेरे सामने मौजूद, समझे मेरे फैमिली के फर्द ही मौजूद यहाँ बैठे हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, मेरे लिए मेरे काबिले एहतराम इस बलोच पाड़ा के सबसे पहले सारे मौजूद, उसके बाद इस स्टेज पे जो मौजूद MPA के कैंडिडेट और मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, जिए भुट्टो। जैसे ही आपको पता है इलेक्शन का दौर है, हम जब भी इलेक्शन देखते हैं इलेक्शन और बरसात एक जैसा लगता है। कुछ सच्चे लोग निकलते हैं बरसात में मदद करने के लिए, तो कुछ बरसाती मेंढक निकल आते हैं। जिनकी पहचान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी, और आज वो बगल में शेर दबा के कह रहा है कि मैं शेर हूँ, वो शेर नहीं है,
बिल्ला है और वो भी कागजी बिल्ला है और उस कागजी बिल्ले की हवा आप तारी तीर से निकलेगी जबकि कमान से निकलेगी वो भूल जाएगा भाई आपने बलोचों पर कोई एहसान नहीं किया है एहसान अगर किया है बलोचों पर तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने किया है शहीद मातरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने किया है आप कौन से अहमकों की दुनिया में रहते हो हमारे जियालों को भड़काते हो हाँ बलोच की एक जबान है बलोच हमेशा अपने शहीदों को देखता है उन शहीदों को जब हमारे यहाँ जब मुल्क हमेशा खतरे में होता है तो वो पीपल्स पार्टी की जानिब देखी जाती है एक बंदा ये उस बंदे के लिए निकले हैं वो बंदा 4 साल गुजारने के बाद दवाइयां नहीं ले सका वो मुल्क के लिए क्या करेगा वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे जिन्होंने कहा मुल्क छोड़कर नहीं जाना है अपने मुल्क में रह के मुल्क की खिदमत करनी है वो शहीद मातरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा 18 अक्टूबर का वाकिया होने के बाद वो 19 अक्टूबर को लियारी की गलियों में नजर आती है वो बागी नहीं तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिन्होंने हमेशा रोजगार भी दिए लोगों के काम भी किए हैं मेगा प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं और इंशाल्लाह ताला इख्तदार में आने के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह ताला जब जीतेंगे तो रोजगार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही देगी क्योंकि मजदूरों की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मैं ये समझती हूँ इब्राहिम हैदरी वाले लोग वो खुश नसीब हैं कि आपके दरमियान बीबी आसफा खुद चल कर आई और बीबी आसफा ने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को जितवाना है और इंशाल्लाह ताला 8 तारीख की सुबह आप लोग घरों से निकलोगे एक ही निशान होगा वो निशान गरीब का निशान वो निशान मजदूर का निशान वो निशान बलोच का निशान हम कहते हैं ना बलोच का निशान क्या जीत का निशान क्या महमूद का निशान क्या आगर अफियुल्ला का निशान क्या आखिर मैं ये कहूंगी कि 8 तारीख के रोजा लोग आज डराएगी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाटियारा कामयाब कर लिए ना बलोच यक जबान यक मुश्ती मर्द में मां मैया नसीमती साथ दे तो मरते दम तक माइये साथ दे शुमा साथ दे पीपल्स पार्टी है शुमा साथ दे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो है और जामा मर्दम प्लास्टिक के शेर गोली तरफ कगा आइए रसिरिक यकी नारा काफी है दुश्मनों के दिल पर ती लावल भुट्टो बेनजी जिए भुट्टो जैसा कि आप दोस्तों के इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर को हर साल अपना यौम तासीस मनाती है और पिछले साल 2023 के 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा क्वेटा में रखा गया जिसमें हमारे इब्राहिम हैदरी से मामा अकमल बलोच उनके साथ और हनीफ
और शकील साहब थे, बदकिस्मती से हादसे में मामा अकबर बलोच का इंतकाल हो गया। उनके साथ मौजूद हमारे अहदेदारान इस सदस्य पर मौजूद हैं। मैं जाने आलम जामान साहब से गुजारिश करूंगा, वो अनिल को अजरक पहना के उनकी इज्जत अफजाई करें। शकील जन्ना साहब से गुजारिश करूंगा वो आए, और हमारे उम्मीदवार महमूद आलम साहब जामोट से आप इनको अजरक पहना के इनकी इज्जत अफजाई करें। नारा भट्टो अब मैं पीएस 91 सीडीआर 91 के सदर मौजूदा पीएस 87 के जिम्मेदार जाने आलम जामोट साहब से गुजारिश करूंगा वो आए स्टेज पे अपने ख्याल का इजहार करें। जाने आलम जामोट साहब स्टेज पे बैठे हुए मेरे मोहतरम पीएस 87 के उम्मीदवार महमूद आलम जामोट साहब, हमारी कराची डिवीजन की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा शाहिना शेर अली साहिबा, हमारी जिले की जिला मलीर की सदर फातिमा मजीद साहिबा, हमारी साबका एमपीए फरजाना बलोच साहिबा, हमारी इंतहाई सीनियर साबका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर मोहतरमा अदी मेहरुन्निसा साहिबा, ताबिश असगर बलोच, कैसर बलोच, आबिद बलोच, मामा मुराद और दीगर जितने भी हमारे मौजूदीन हैं, और इस पिंडाल में बैठे हुए दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया बलोचो, शुक्रिया बलोच वाला, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी दूसरे मोहल्ले हैं उनके तमाम आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह शानदार प्रोग्राम अरेंज करने पर। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला। मेरे दोस्तों अब आता हूं इस बात पे कि आज हम शायद ये अपने इलेक्शन कैंपेन का आखिरी प्रोग्राम चला रहे हैं। इस हवाले से इस इलेक्शन में आए हुए कुछ नाम निहाद लीडर जो जगह जगह पे एक टोला लेकर घूम रहे हैं, कुर्सियां लेकर घूम रहे हैं, टेंट लेकर घूम रहे हैं, और कोई एक आध पाड़े से बंदा लेकर वहां पर वो अपने टेंट सजाते हैं, बाहर से लोगों को लाते हैं और हमें बुरा भला कहना शुरू करते हैं। उसमें उनके पास और कोई जवाब नहीं, तो आजकल उन्होंने ये बहाना बनाया हुआ है
कि ये जालिम वडेरे, मैं जालिम वडेरा, ये आपके सामने एमपीए के उम्मीदवार जालिम वडेरा। भाइयों मुझे बताओ कि किस पे जुल्म किया है जामोट ने, कोई है तो बताओ। भाई साहब बस ऐसे ही भाई साहब जालिम वडेरा यार, कोई ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा है, कोई ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा है, कितनी इज्तमाई फांसियां दी हैं जामोट ने, या कितने लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियां मारी हैं, आप मुझे बताओ। कितने एफआईआर कटाए हैं गरीबों पे, हम जालिम वडेरे या फिर वो जिनकी गोदों में आप बैठे हो, जिनके जुल्म का लोग शिकार है, एफआईआर नाजायज एफआईआर उनकी गोदों में माल बटोरने के लिए, अगर हम जालिम वडेरे हैं तो फिर आप क्या हो। तो मेरे भाइयों जब आप किसी पे उंगली उठाते हो तो ये देख लिया करो कि तीन उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। हम अगर जालिम वडेरे तो वो क्या हैं जिनकी शेह पे, जिनकी ईमा पे आप कर रहे हो ये चीजें। अब ये साबित नहीं हो पा रहा लोगों के सामने, आप हमारी जितनी बुराइयां करते हो, लोगों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमने कैंपेन चलाया, उसको तकरीबन महीना होने को है, लेकिन जो लोग कुछ आपके साथ भी थे वो भी अब आपके इन रवैयों से या आपकी इस जबान से बदसल होकर, उनसे टूटकर हमारी तरफ जोग दर जोग जो है वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ते चले जा रहे हैं और आप अपनी नजरों से भी गिरते चले जा रहे हैं। अब आप गैरत की बात करते हो, मैं समझता हूं हमारे पाकिस्तान में जितनी भी कौमें आबाद हैं वो सारी की सारी गैरतमंद हैं, लेकिन बलोच कौम गैरतमंद तरीन कौम है। तो ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती, आप आके उनके मोहल्लों में बुराइयां करते हो, उनकी उनसे वोट भी मांगते हो और उनकी बुराइयां भी करते हो, गैरत बेगैरती की बात करते हो, तो फिर आपका जो वो गैरतमंद लीडर है जिसके झंडे पे आपने तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो जब हमारी बलोच कौम की बेटी मारंग बलोच वो जब पंजाब गई थी सर पे हाथ दुपट्टा रखता है उसके सर पे, तो फिर कैसे उम्मीद रखते हो इस बलोच कौम से कि वो तुमको वोट देगी। पहले उसकी गोद से उतरो, पंजाबी की गोद से उतरो, पहले गंजों की, जिसने हमारी बेटियों को इज्जत नहीं दी, हमारी बेटियों के सर पे दुपट्टा नहीं रखा, वो क्या लेने आई थी, अपने बेटों के जान के हिफाजत के लिए आई थी, मिसिंग पर्संस के लिए आई थी। आप कुछ ना करते, आप बात ना करते, सर पे हाथ तो रखते, सर पे हाथ भी नहीं रखा, उसकी गोद में बैठे हुए हो और वोट मांगते हो उसी कौम से, उसी बलोच कौम से। बलोचो मुझे बताओ ऐसे शख्स को वोट दोगे
तो फिर बलोचों की एक और भी रिवायत है कि जब बेटियां चल के आती हैं तो वो बेटियों को कभी वापस नहीं करते। आपके पास शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बेटी आई है, आपको ये एजाज हासिल है, और बेटियों को वापस नहीं किया जाता। हमें देखो ना देखो, आप एमपीए को देखो ना देखो, आप एमएनए को देखो ना देखो, उस शहीद मोहतरमा बेनजीर की बेटी को हमें देखना है। क्या कहते हो दोस्तों, किसका है वोट, किसका है वोट, किस पे ठप्पा लगेगा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और फिर एक और चीज, जब ये बस नहीं चलता तो फिर छोटा बड़ा करते हैं, भाई छोटा दे दो, एक बोलता है छोटा दे दो बड़ा नहीं दो, दूसरा आता है बोलता है बड़ा दे दो छोटा नहीं दो। भाई ये क्या है, छोटा बड़ा वोट है क्या है? कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, थप्पा सिर्फ तीर पे लगेगा इंशाल्लाह, लगेगा इंशाल्लाह। तो ये छोटा बड़ा नहीं करना है। फिर उसके बाद आता हूं इस पे कि फैसला हमने सुना दिया था उसी दिन, इब्राहिम हैदरी की कौम ने फैसला उसी दिन सुना दिया था जब बिलावल साहब ने हमसे टेलीफोनिक खिताब किया था। आपको याद होगा हमारे लीडर ने हमें कहा था कि मुझे एमएनए आर रफीउल्लाह चाहिए, कहा था नहीं कहा था, उनके अल्फाज थे। तो जब बिलावल साहब ने, शहीद बीबी के बेटे ने हमसे वो मांगा है, तो वो असेंबली में जाके उसके हाथ मजबूत करेगा। जब वो हाथ मजबूत करेगा, उसके मेंबर्स बढ़ेंगे, तो फिर उस सूरत में वो वजीर आजम बनेगा। तो हमें छोटे वोट से ज्यादा अहमियत बड़े वोट को देनी है, और हमें दोनों वोट देने हैं, और बिलावल साहब को वजीर आजम बनाना है। तो आखिर में मेरे साथ नारा लगाएंगे, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, जिए भुट्टो, जिए जमाल। मैं मास्टर गुलाम रसूल बलोच को दावत देता हूँ, वो स्टेज पे आए, और अलिया ने बलोच मोहल्ला की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करें। मास्टर गुलाम रसूल को मोहतरम महमूद आलम जामोद साहब, जनाब जहान आलम साहब, मोहतरमा फरजाना साहबा, मेहर साहब साहिबा, शाहिना साहिबा और फातिमा मजीद साहिबा, और यहाँ दूर तक नजर आने वाले तमाम मेहमान, मेरी भी नज़र जहाँ तक काम कर रही है, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आकर हमें इज्जत बख्शी और हमारे इस जैसे को रौनक बख्शी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बलोच वाले को इतनी इज्जत दी, क्योंकि इस बलोच वाले में शहीद पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। उस बुनियाद रखने वालों में ये आपका कादर भी शामिल है। 1969 में यानी कि आज से 55 साल पहले इस होटल के कोने में चार आदमियों ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी,
फिर ये रंग बढ़ता गया और आज एक समंदर करके बहर के जैसा बन गया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एमपीए के उम्मीदवार महमूद आलम जामोर साहब आपसे खिताब करेंगे, तालियों की गूंज में महमूद आलम जामोर साहब। सबसे पहले तो मैं बलोच पाड़े के का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बलोच पाड़े में एक कॉर्नर मीटिंग बुलाई है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में आज जलसे की शक्ल ले गई है। तो मैं आप सब लोगों का, भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं अपनी कयादत का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे पे और आगा रफीउल्लाह पे एक बार फिर से एतमाद किया है और हमें टिकट दी है। तो इंशाल्लाह जैसे पिछले 5 साल दौर में आप लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है, उसी तरह इंशाल्लाह उससे भी बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आने वाले 5 साल दौर में आपकी खिदमत करेगी। मैं समझता हूं कि अभी जो आने वाला दौर आ रहा है उसमें जो हमारे लीडर बिलावल भुट्टो साहब का विजन है, जो उनका मंशूर है, मैं समझता हूं
अगर आप लोगों की ताकत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान पे आप लोगों ने मोहर लगाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब किया और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की, यहाँ के रहने वाले लोगों की, माहीगीरों की, हमारी हर कौम की, सिंधी, बलोची, पंजाबी और पख्तून कौम की इंशाल्लाह किस्मत बदलने वाली है। मैं समझता हूँ कि जो बिलावल साहब का मंशूर है उसमें सबसे पहले वो ख्वातीन की बात करते हैं। उन्होंने ख्वातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए उनकी रकम डबल की है। गरीब आवाम की बात करते हुए आसान कर्जे रखे हुए हैं। गरीब आवाम की बात करते हुए गरीब लोगों के लिए 30 लाख मकान बनाने का उनका मंशूर है। आपके लिए वो सस्ती बिजली लेके आ रहे हैं। नौजवानों के लिए इंशाल्लाह रोजगार लेके आ रहे हैं। उनके मंशूर में, क्योंकि सरकारी नौकरियां हर किसी को नहीं मिलती हैं, सरकारी नौकरियों के अलावा उनका जो प्रोग्राम है कि हम अपने नौजवानों को हुनर सिखाएंगे, हुनर सीखने के बाद वो इंशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सकेंगे। उनके लिए तालीम, मुफ्त तालीम के साथ साथ ऐसा तालीमी निज़ाम लाएंगे कि इंशाल्लाह उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां मिलेंगी और इंशाल्लाह इस मुल्क से बेरोजगारी खत्म होगी। मैं समझता हूँ जैसे हमारे सीनियर रहनुमा चाचा करीम ने कुछ हमें बताया कि हमें इन चीजों पे भी तवज्जो देने की जरूरत है, जिस पे यूबीआई का आपको आगा रफीउल्लाह साहब बता के गए हैं। हमारी कॉलेज की बिल्डिंग जो हमारे पुराने एमएलए साहब ने समुंदर के अंदर बना दी थी, इंशाल्लाह जैसे ही हम वापस आएंगे, हमने उसकी पहले भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका, लेकिन मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि सबसे पहले ही हम कॉलेज का जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट कराएंगे, किसी अच्छी जगह पे बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने इब्राहिम हैदरी हॉस्पिटल की बात की कि इब्राहिम हैदरी हॉस्पिटल में हमें इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें कुछ तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछली एडीपी है उसमें तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हॉस्पिटल के ऊपर 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुकी है। इंशाल्लाह जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है इसमें काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ मास्टर गुलाम नबी साहब की बात मैं दोहराते हुए, जो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मेहर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के मेहर जब यहाँ तशरीफ लाए थे तो मास्टर गुलाम नबी साहब ने उनको बोला था कि अब आप
इब्राहिम हैदरी यूनियन काउंसिल के भी चेयरमैन हो, क्योंकि इब्राहिम हैदरी के लोगों ने उनको बिना मुकाबले यहाँ से जितवाया था। तो उन्होंने आईटी का बोला था उनको, और वो मुर्तजा वहाब साहब आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वो विजिट करके गए हैं, हमने उनको मोरड़ो हॉल का विजिट करवाया है और उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह हम जल्दी आईटी का प्रोग्राम इधर शुरू कर देंगे। तो मैं आपसे आकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज मुझे लग रहा है कि हमारे कैंपेन का आखिरी दिन है, तो इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह 8 फरवरी को जब निकलेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान तीर पे जब थप्पा लगाएंगे, अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, तो इंशाल्लाह अगले 5 साल इस कौम की किस्मत बदलने वाली है और इस कौम के पास और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम और भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। मैं आप सब दोस्तों का भाइयों का चेहरे से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इज्जत दी और इतना मान दिया। आखिर में नारा लगाएंगे, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी भुट्टो